की हेडलाइन पर। अजीत पवार ने दिया इस्तीफा, नागपुर भंडारा के कलेक्टर बदले गए। गोंदिया में विवाह का लालच देकर युवती से किया दुष्कर्म। भंडारा के सड़क बदहाल, लोगों में फूटा गुस्सा। अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने अपने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागड़े उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। विधानसभा चुनाव के लिए आवेदन भरने से पहले ही दिन इस खबर से राजनीतिक जगत में चर्चाएं तेज हो गई है। अजीत ने अपना इस्तीफा ईमेल से भेजा और विधायक अध्यक्ष से फोन पर बात की। हालांकि इस्तीफा के पत्र पर कारण नहीं दिया गया है। नागपुर भंडारा के कलेक्टर बदले गए। ठाकरे व चंदन को दिया चार्ज, मुदगल बने एडिशनल कमिश्नर और विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही दिन चुनाव आयोग के आदेश पर नागपुर व भंडारा के कलेक्टर व जिला चुनाव अधिकारी का तबादला कर दिया गया। नागपुर कलेक्टर अश्विन मुदगल को भी एडिशनल कमिश्नर बनाकर नागपुर विभागीय आयुक्त कार्यालय में भेजा गया है। उनकी जगह महानगर पालिका के एडिशनल कमिश्नर रविन्द्र ठाकरे को कलेक्टर व चुनाव अधिकारी बनाया गया। भंडारा के कलेक्टर डॉक्टर नरेश गीते को हटाकर उनकी जगह नागपुर के एडिशनल डिवीजन कमिश्नर एमजे प्रदीप चंदन को भंडारा के कलेक्टर व जिला चुनाव अधिकारी बनाकर भेजा गया। तबादलों को लेकर चर्चाओं का दौर चल रहा है। पिछले लोकसभा चुनाव में नागपुर ईवीएम रूम में सीसीटीवी में गड़बड़ी व डीवीआर चोरी के माध्यम से यह तबादले किए गए हैं। गोंदिया के गंगाजरी थाना अंतर्गत वर्ष 2016 से 23 अगस्त 2019 तक 21 वर्षीय महिला से दुष्कर्म किया गया है। महिला लाइटिंग के काम के लिए आरोपी को मजदूर उपलब्ध करा देती थी। इसके लिए वह महिला के घर आना जाना अक्सर लगा रहता था। इसी बीच दोनों में प्रेम संबंध हो गए थे। युवती को अलग अलग स्थान पर ले जाकर बनाए शारीरिक संबंध, शादी का झांसा देकर युवती के साथ शोषण करता रहा। आरोपी ने शादी से इनकार किया, तब युवती ने पुलिस में मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस निरीक्षक पाटिल इस मामले की जांच कर रहे हैं। भंडारा में सड़कें हुई बदहाल, लोगों में फूटा गुस्सा। आदि शक्ति शीतला माता मंदिर में नवरात्र की धूम रहेगी। यह लोग का तांता काफी लगा रहता है। नवरात्रि के दिनों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है। मंदिर के सामने से गुजरती सड़कें और दोनों ओर वाहनों की कतार देखने को मिलती है, लेकिन सड़कें ऐसी हैं कि नागरिकों को वाहन चलाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। धूल व भारी भरकम गड्ढे की वजह से लोगों में परेशानियों का सामना देखने को मिल रहा है। एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए एमएनएस हिंदी ऐप आज प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तब तक के लिए बने रहिए एमएनएस न्यूज के साथ। धन्यवाद।